वैशाली नगर विधायक ऋग्वेद सेन ने मंगलवार को विधानसभा भवन प्रवेश के दौरान पूजन आरती कर श्रीफल फोड़ने के बाद विधानसभा में शपथ ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने वैशाली नगर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के स्नेह और प्रेम ने मुझे जनसेवा करने का अवसर दिया है। उन्होंने क्षेत्र के विकास में लगातार तेजी लाने की बात कही, साथ ही कहा कि वैशाली नगर की जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। आज का दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आया हूँ। लगातार छोटी सदन में रहा हूँ, पार्षद के रूप में अलग अलग वार्ड से चुनाव जीता हूँ। आज बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है हमारे छत्तीसगढ़ का, सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर। वहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की, नारियल तोड़ा, उसके बाद मैं प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद मैं शपथ लिया और मैं अब वैशाली नगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आप लोगों ने मुझे भेजा है। इस बात को उम्मीद रखिएगा कि कुछ नया होगा, विकास की गंगा बहेगी, सर्वांगीण विकास होगा। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर है, आज मुझे कहा गया था कि मंदिर में आपको आरती करनी है, तो मैंने तय किया कि इससे बड़ा मंदिर तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस मंदिर में आके पूजा अर्चना कर नारियल तोड़ के मैंने प्रवेश किया।